नमस्कार, ये लेडीज बाइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो कलर में क्रोशिया का डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए दो कलर में है और काफ़ी खूबसूरत है और जल्दी ही बन जाता है, आसान भी है। बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ। इसके लिए हमने रेड और वाइट उल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। छोटा पैटर्न मैं बता रही हूँ। इसके लिए हमने 20 चेन लिया। लगभग 20 चेन हो गया हमारा। इसके बाद हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे पूरी लाइन। ये स्लिप स्टिच बनते जाएगा। देखने में फ्लावर की तरह लगता है। ये देखिए ऐसे ये पूरी रो स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए पूरी रो हो गई। अब हम उल्टी तरफ से एक ट्रिबल बनाएंगे, फंदे लेके, यानी पूरी लाइन ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए ऐसे पूरी लाइन हम अंत तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पीछे से ये ट्रिबल बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लिए। अब हम फिर आगे की ओर आ गए। अब हम वाइट उल लगाएंगे। वाइट टूल से हम चार स्टिच हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए एक, दो, तीन और ये चार। अब इसमें हमें फ्लावर बनाना है तो अब ये जो नीचे वाला ट्रेबल है ये इसमें से हम फंदा लेके ये ऐसे हम कर लेंगे तो आसानी रहेगी। एक, दो, तीन और ये चार, और चारों को एक साथ बंद कर देंगे। ये ऐसे बन जाएगा। फिर इसके हम चार स्लिप स्टिच बनाएंगे, दो, तीन और ये चार। फिर हम वही प्रोसेस ये नीचे वाले ट्रेबल से फंदा उठाएंगे, यहाँ से एक, दो, तीन और ये चार। चार फंदा उठा के हम एक साथ बंद कर देंगे। फिर ये बगल में हम चार स्लिप स्टिच लेंगे। फिर हम फ्लावर बनाएंगे वही नीचे वाले ट्रिबल से फंदे लेके, एक,
दो तीन और ये चार। फिर चार स्लिप स्टिच, पांच स्लिप स्टिच होगा। एक चेन लेते हुए ये देखिए पहली लाइन ऐसे होगी। फिर हम उल्टी तरफ आ गए, एक चेन लेते हुए अब ये ट्रेबल बनाएंगे। हम फंदा लेके पूरी लाइन हम सिंपल सा ट्रेबल बना देंगे। ये ट्रेबल बनाते हुए हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे वाइट वाले। ये देखिए ये पीछे से वाइट ट्रेबल बनाते हुए हम ये लाइन कंप्लीट कर लिए। अब हम रेड धागा आगे ले आएंगे रेड धागे से हम ये स्लिप स्टिच, चार स्लिप स्टिच बनाएंगे। फ्लावर तक हमारा स्लिप स्टिच जाएगा। अब ये फ्लावर जो हम बनाए हैं इसके अंदर से हम फंदा लेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे, एक ट्रेबल बना देंगे। फिर हम इसके बगल में स्लिप स्टिच ले जाएंगे। चार मेरा स्लिप स्टिच गया। फिर वही ये फ्लावर के अंदर से हम अंदर से फ्लावर आप देख रहे हैं इसके अंदर से हम इस तरह से धागा ले जाएंगे और ऐसे बनाएंगे। फिर ये स्लिप स्टिच जाएगा। फिर हमारा फ्लावर के अंदर से फंदे लेते हुए वो कंप्लीट करेंगे। फिर ये स्लिप स्टिच उल्टी तरफ से फिर हम एक चेन लेके सिंपल ट्रेबल बनाते हुए लाइन कंप्लीट कर लेनी है। केवल एक ट्रेबल बनाते हुए हमने ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पीछे से ये कंप्लीट हो गया रेड वाला। और फिर हम वाइट धागा ले आएंगे आगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए हम फ्लावर तक पहुंचेंगे। यहाँ हमें फ्लावर बनाना है तो ये जो हमने रेड वाला बनाया था अब इसके अंदर से हमें ये देखिए रेड वाले में से हमें चार फंदे बनाने हैं, दो तीन और ये चार। फिर चारों को हमें एक साथ बना लेना है।
फिर हम स्लिप स्टिच ले जाएंगे फ्लावर तक। और फिर ये जो डंडी बनाए हैं ये रेड कलर का, ये इसमें फिर हम ऐसे बनाते हुए 1, 2, 3 और ये 4 चार बना लेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे हम। फिर हम स्लिप स्टिच ले जाएंगे, फिर हम फ्लावर बनाएंगे उसी रेड वाले फंदे में, 1, 2, 3 और ये 4 चारों को एक साथ बंद करेंगे, फिर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। काफ़ी आसान डिज़ाइन है, देखने में काफ़ी खूबसूरत फूल की तरह लगता है। ये देखिए, फिर इधर से हम एक चेन लेते हुए सिंपल पीछे से पूरा ट्रेबल बना लेंगे। देखिए ऐसे बनाते हुए पीछे से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से ट्रेबल बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये इधर से भी कंप्लीट हो गया। अब हम फिर रेड धागे पे आ गए, फिर हमें वही प्रोसेस दोहराना है स्लिप स्टिच बनाते हुए इस फ्लावर के डंठल को बनाना है। देखिए अब यहाँ आ गए, अब ये वाइट वाले में से हाँ ये देखिए ये नीचे से ले जाएंगे धागा, ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर वही ये वाइट वाला जो फ्लावर बनाया उसके नीचे से हमें ऐसे एक ट्रिबल बनाना है बस, फिर स्लिप स्टिच बनाना है। फिर वाइट वाले फ्लावर से हमें एक ट्रिबल बनाना है, फिर स्लिप स्टिच बना के कंप्लीट करना है। पीछे से हमारा केवल ट्रिबल ही जाएगा। पीछे से देखिए एक चेन लेंगे और एक ट्रिबल बनाएंगे, हर फंदे में ट्रिबल बनाते हुए ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। हर फंदे में ट्रिबल बनाएंगे, ये देखिए पीछे से ट्रिबल कंप्लीट कर लिया। और फिर वाइट धागा हम ले आ लिए आगे, वाइट धागे से फिर हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए अपने फ्लावर तक जाना है। ये देखिए अब फिर वही रेड वाले में हमें जो ये बनाए हैं हम लंबे से डंठल, इसमें हमें 4 बार वही करना है, 4 टाइम। सॉरी 3 होगा, हमें 4 टाइम करना है इसमें।
देखिए चार बार कंप्लीट हो गया, अब इसको एक बार हम बंद कर देंगे, फिर हम स्लिप स्टिच ले जाएंगे, चार स्लिप स्टिच। और फिर रेड वाले में से हम फंदा लेंगे, देखिए एक, दो, तीन और ये चार। स्लिप स्टिच ले जाएंगे हम, फिर वही चार बार हम फंदे लेंगे क्रोशिया पे और उसको एक साथ हम बंद कर देंगे, और फिर हम स्लिप स्टिच ले जाएंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन ऐसे आएगी, इससे आप आवश्यकता अनुसार आप बढ़ाते जाइए। आशा है कि डिज़ाइन पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।